नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। आज न सिर्फ विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी और मंत्री निर्मला सीतारमण भी गुस्से में दिखाई दी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा माइक बंद करना मेरा अपमान हुआ है, मेरे आत्मसम्मान को चैलेंज किया है। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार के इशारे पर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। इस पर सदन में काफ़ी हंगामा हुआ। राज्यसभा में पीटी उषा बोल रही थी तभी जोर जोर से मणिपुर मणिपुर के नारे गूंजने लगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पोषण अभियान पर सवाल किया था, इस पर स्मृति ईरानी नाराज़ हो गई। ईरानी ने कहा जो लोग पीटी उषा के माइक के पास जाकर नारे लगा रहे हैं उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पीटी उषा जी ने बहुत कुछ किया है। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सदन में यह सुनकर हैरान रह गई कि एक सदस्य दूसरे मेंबर को धोखेबाज कह रहा है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। निर्मला ने कहा कि मेंबर को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस दौरान सदन में शेम शेम के नारे गूंजे। निर्मला बार बार अपनी बात को दोहराती रही। खड़गे का माइक बंद करने पर काफ़ी बवाल हुआ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।